ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो यार, पिछली वीडियो में मैंने अपनी लगभग सारी की सारी निसान GTR सेल कर दी थी। बस मेरे पास 4 निसान GTR और रह गई है। 2 मेरी पर्सनल निसान GTR है, 2 चैलेंज की निसान GTR थी। एंड इस गेम का अपडेट आ चुका है। हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग शोरूम का एडिट मोड आया है कि नहीं, तो हम लोग इसको जरूर से चेक करेंगे। एंड शोरूम अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है, हर जगह कार्स के पोस्टर लगे हैं। कार यहाँ देखो, ग्रीन में 25% ऑफ, ऐसे ऐसे गेम कार फॉर सेल। और हम लोग का बीच में यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, बैठने का भी एरिया अच्छा सा हो गया। हम लोग अभी चेक करते हैं कि हम लोग का डेकोरेट में आया है कि नहीं। पहले तो हम लोग अपना अपग्रेड कर लेंगे, एक सेकेंड, पहले हम लोग अपना अपग्रेड कर लेंगे शोरूम, क्योंकि हम लोग का जो शोरूम है वो 2 लेवल पे अपग्रेड है। तो 3 लेवल के 7,50,000 चाहिए। हम लोग के पास है 1,15,00,000, तो हम लोग इसको करने वाले। हम लोग का भी हो चुका है 3 लेवल का, तो मैं चल के एक बार तुम लोग को दिखा देता हूँ। लेट्स गो। ये देखो, हम लोग की कार्स आपस में पीछे जा चुकी है। हम लोग का ये जो शोरूम था, ये पीछे जा चुका है और हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा स्पेस हो चुका है अभी के लिए। अब हम लोग इसको और अपग्रेड कर देते हैं। हम लोग डेकोरेट इसको कुछ कर देते हैं, डेकोरेट जो कि और अच्छा हम लोग का लगे। तो ग्रांड गेमर्स, ग्रांड मोटर्स अभी तो ये इसमें सही आ रहा है। तो हम लोग आउट डिज़ाइन को देखते हैं। वॉल कोई अच्छी सी वॉल चाहिए ताकि लगे हाँ ये शोरूम है। ये ब्रिक वाली उतनी अच्छी नहीं लग रही है। शोरूम के लिए एक तगड़ा सा एक चाहिए टेक्स्चर, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है बट उतना भी नहीं। तो राइट, अभी मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ ये शोरूम को। तो अभी मैं ये वाला टेक्सचर पैक इस पर लगाने वाला हूँ। और राइट, मैंने इसको कर दिया। अभी नीचे की टाइल्सिंग में देख लेता हूँ थोड़ा सा। ब्लैक अच्छा नहीं, पूरा प्लेन नहीं चाहिए, बहुत ही कम ऑप्शन है हम लोगों के पास। ब्लैक नहीं, प्लेन सही, ये वाला हम लोग कर देते हैं। एंड किनारे की फेंसिंग हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ये उतना सही नहीं लग रहा था, हम लोग ग्रास वाला कर देते हैं। एंड अभी इन डिज़ाइन में हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों के पास इन डिज़ाइन में दीवार का कलर कौन सा है। या फूल वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसी को हम लोग लगा देते हैं। एंड अभी नीचे फर्श का हम लोग इसका कुछ चेंज करते हैं, कोई सा भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बस मेरे को ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, इसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। तो यार, हम लोगों ने अभी अपना पूरा का पूरा शोरूम अपग्रेड कर दिया। वेट, यहाँ पे थोड़ा फूल उल वाला टाइप का नहीं रह गया क्या इसमें? लगता था शायद पिछले में लगता था। इन डिज़ाइन नहीं है, आई थिंक नहीं है। कंटेनर हाउस को भी हम लोग डेकोरेट बाद में करेंगे। कंटेनर यहाँ पे, कंटेनर का भी बहुत ज़्यादा वो आ चुका है, इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। इतना ही था। हम लोग गेम को अपने तरीके से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये जो अपना शोरूम है इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं, गेम के हिसाब से रख सकते हैं। और इसमें कुछ और अपडेट्स आए हैं, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। जहाँ पे हम लोग पेंट करा सकते थे और रिपेयर करा सकते थे, ट्यूनिंग करा सकते थे, सब कुछ चेंज हुआ था। और जैक जंकयार्ड भी शायद बड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लोग, जंकयार्ड का गेट भी चेंज हो चुका है, सिर्फ जंकयार्ड लिख उठा है। एंड यहाँ पे प्लेस भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, और इसके लिए एक पर्सनल हाउस भी रख दिया गया है। हम लोग के पास वैसे तो कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं है, यू हैव नो मेटल। तो भी हम लोग, रात हो चुकी थी, मैं आ चुका था कंटेनर पे, अभी मॉर्निंग हो चुका है। यहाँ का भी थोड़ा प्लेस चेंज कर दिया गया है, पूरा का पूरा फेंसिंग बहुत अच्छी कर दी गई है यहाँ की। एंड रात हो चुका था एंड मैं कुछ अपडेट्स और खोज रहा था जो कि मेरे को नहीं मिल रहा था। एंड मैंने सुना है कि हायर कर सकते हैं हम लोग एम्प्लॉय को, तो आज हम लोग वो भी करने वाले हैं। बट उसके लिए एम्प्लॉय होना भी चाहिए। एम्प्लॉय यहाँ पे कहीं भी नहीं, यहीं पे आसपास में बैठता था बट यहाँ कहीं नहीं बैठा है। तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर एम्प्लॉय बैठा है। मार्केट ओपन है शायद, हो सकता हो कार मार्केट के पास वो बैठा हो। एक बार हम लोग कार मार्केट के पास चल के देख लेते हैं कि वो गरीब बंदा जो है वो बैठा है कि नहीं। आज हम लोग उसको जॉब देने वाले हैं। तो कार मार्केट भी चेंज कर दिया गया है, पूरा का पूरा मैप चेंज कर दिया गया है। तो यार, कार मार्केट में मेरे को नहीं दिख रहा है। एंड कार मार्केट का कुछ लुक ऐसा सा कर दिया गया है, मेरे को एम्प्लॉई जिसको मेरे को रखना है परमानेंट, वो नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ से चलने वाला हूँ। तो यार, और किस जगह हो सकता है वो बंदा, मेरे को नहीं पता। मैं इसी 2 जगह लगभग देखा करता था और कहीं उसको नहीं देखा ऐसे बैठते हुए। एक बार हम लोग देख लेते हैं रेसिंग वाली जगह हो सकता है आया हो। एंड हाँ, रेसिंग वाला भी प्लेस बदल दिया गया है,
तो उसको भी एक बार देखो यार, पूरा का पूरा पीछे वाला ग्राउंड पूरा चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कर दी गई हैं, और यहाँ भी नहीं आया है। यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ भी नहीं आया तो भी कहाँ जा सकता है। एक बार हम लोग रेड बार में भी चेक कर लेते हैं, वो बंदा गया तो गया कहाँ गया। रेड बार को भी चेंज कर दिया गया है, बार सार कर दिया गया है, बार बार स्टार कर दिया गया है। यहाँ पे भी वैसे दिख नहीं रहा है वो बंदा। तो गेम को नेक्स्ट लेवल ले जा चुके हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सब लोग बियर अपना बैठ के पी रहे हैं। एंड यहाँ पे एक पीछे घर हुआ करता था, वो है कि नहीं, अंदर भी जाने का प्लेस यहाँ बना दिया गया, वो है। हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं, शायद हो सकता हो यहाँ पे वो बंदा हो। एंड यहाँ पे वो बंदा नहीं बैठा है, तो गया भाई कहाँ, मेरे को भी उसको खोजना पड़ेगा। मैं मेरे को नहीं पता अभी कहाँ मिल सकता है वो बंदा। तो आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग उस बंदे को कहाँ कहाँ तक अभी तक देखे थे, ज़रूर से एक बार कमेंट में बताना कि उस बंदे को तुम लोगों ने अभी तक कहाँ कहाँ देखा था। ऑलराइट गाइस, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, फिर से लास्ट बार मैं चेक करने वाला हूँ वो बार में आया है कि नहीं आया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है भाई वो देखो बार में बैठा है। इधर बोतल बटोरने आया है क्या भाई, एकदम गरीब है, इधर मेरे पास आ जा, मैं तेरे को रोज डेली का डेली पैसे दूंगा और तुझे एकदम अच्छे से रखूँगा। भाई ये देखो होमलेस पे, उसको हम लोग गिव मनी करके हायर करने वाले। भाई कितना, $10 पे कितना लेगा भाई, इसको दिए जा रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। गिव मनी चांस मेरे पास रह गया, वॉच वीडियो ऐड करना पड़ेगा इसको हायर करने के लिए। मैं इसको बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, फिर भी ये मान नहीं रहा है। इसको भी टिप समझ रहा है जो कि ये गरीबों को देते हैं सब लोग, वैसा वाला समझ रहा है। इसको मैं वॉच ऐड करने वाला हूँ, वॉच ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। साथ ही मेरे को लगता है कि मेरे को गेम बैक करके फिर से पूरा कट करके आना चाहिए। वीकली 500 ये मेरे से लेगा। मैं भाई तू 1000 ले ले, 5000 ले ले, तू आ तो देख लो, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक बार गेम फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। गाइस अभी मैंने फिर से गेम को क्लोज करके फिर से ओपन किया है, एंड वो बंदा यहाँ से जा चुका है लिटरली। सो राइट गाइस, अभी मैंने गेम को ओपन करके आया था और वहाँ पे मिला मेरे को बंदा नहीं मिला। एंड मैं बहुत खोदा, फिर जाके मेरे ऑफिस के बाहर यहाँ पे ये बंदा मिला है। तो यार गाइस, मैं इसको चाहे जितना मनी पे कर रहा हूँ, कुछ भी इसका नहीं हो रहा है। एंड वॉच ऐड पे मैं अभी गेम को रीस्टार्ट करके आया हूँ, फिर भी वॉच ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। लिटरली तुम लोग देख ही पा रहे हो कि मैं बहुत बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। फिर से एक बार बैक करके करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। मैं बहुत तेज़ से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि ये बंदा को मैं हायर कर लूँ। तो ये पता नहीं क्या गेम का ग्लिच है कैसा, मेरे को नो आइडिया। मैं इसको बाद में ट्राई करूँगा शायद, जब गेम का ग्लिच फिक्स हो जाए। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम आ चुका है मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ। इन दो गाड़ियों की मदद से मैं आप में से किसी एक को शाउट आउट, दोनों किसी दो को शाउट आउट देने वाला हूँ। तो शाउट आउट देने के लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ गैराज में। एंड हाँ, गेम अपडेट हो चुका है, तुम लोग देख पा रहे होगे। एंड तुम लोग बता सकते हो कि मैं इस वाले अपडेट में खेलूं कि वो पुराने वाले अपडेट में फिर से शिफ्ट कर लूं। एंड तुम लोग बताना ज़रूर से, ये मेरा वीटा वर्जन है इसीलिए मैं पहले अपडेट्स पा चुका हूं। अभी तुम लोग पुराने वाले अपडेट में होगे कि वही एम्प्लॉय हायर करने वाला है वही वाला। तो मैं यहां पे दे देता हूं बंदे को शाउट आउट। यार ज़रूर से तुम लोग बताना यार, इसमें रेसिंग किट को हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं और जो भी टर्बो नॉज जो भी, उसके बाद सस्पेंशन को डाउन कर देते हैं। सेल करना ताकि ज़्यादा थोड़ा पैसा मिल जाए। सस्पेंशन को एकदम डाउन रखने वाले हैं, लेट्स गो। सस्पेंशन को डाउन, यार लाइट्स का नहीं है हम लोग को, नंबर प्लेट। या आज हम लोग शाउट आउट देने वाले हैं, किसको दें जल्दी बताओ गाइस। तुम लोग यार वीडियो को लाइक कर दिया करो तो शाउट आउट मिल जाएगा तुम लोगों को भी। एंड कमेंट जरूर करा करो। तो आज का शाउट आउट जाने वाला है, तो आज का शाउट आउट जाने वाला है धीरज कुमार को। उनका पूरा नाम नहीं आ रहा था धीरज कुमार, तो धीरज ही देख देते हैं। आज का शाउट आउट जाता है धीरज को। एंड इस गाड़ी में देख पा रहे हो तुम लोग, धीरज नाम लिख चुका है। एंड इसको मैं भी पेंट भी कराने वाला हूँ ताकि पता रहे मेरे को हाँ कि ये दोनों अलग गाड़ियाँ हैं जिसमें मैंने आप लोगों को शाउट आउट दिया था। एंड इसको सेल करूँगा मैं अगले वीडियो में, सेल शायद करूँ। एंड तुम लोग बताना यार, ये वाला थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है, बट अच्छा भी लग रहा है देखने में लुक। इसको मैं कौन सा कलर कराऊँ भैया, आप कलर कर दो ना, कोई सा भी कलर कर दो, मेरे को कलर से मतलब नहीं है। पहले तो डार्क करते हैं हम लोग, कलर में ब्लैक नहीं रखेंगे कलर में। सो लेट्स गाइस, अभी मैं ये वाला हाँ यही वाला कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड पार्ट्स का क्या, पॉलिश करते हैं हम लोग एक बार, मेटेलिक बढ़ा के देखते हैं। अच्छा लग रहा है, बट इतना उसमें ग्राफिक्स नहीं, गेम में तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ इसको हम लोग करने वाले हैं, लेट्स गो। अभी हम लोगों ने अपडेट कर लिया, इसको लेके चलते हैं शोरूम में। सो लेट्स गाइस, नेक्स्ट शाउट आउट की बारी आ चुकी है। नेक्स्ट शाउट आउट आज का जाने वाला है
न्यू अपडेट्स को। या गाइस आप लोग सही सुन रहे हैं, न्यू अपडेट्स को सेकंड शाउट आउट आज का जाता है। तो गाइस न्यू अपडेट पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, तो मैं न्यू अपडेट अपडेट DATEE नहीं आ रहा है तो इतना ही रखते हैं, इसको मैं डन कर देता हूँ। इसको भी हम लोग कलर करा देते हैं क्योंकि एक पहचान अलग सी हो जाती है। तो इसका हम लोग कुछ ऑरेंज सा कलर रखते हैं, कुछ यही ऑरेंज सा अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग इसको पॉलिश भी, सो गाइस कुछ ऑरेंज कलर का शेड हम लोग ऐसे ही रखते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोगों ने पार्क कर दी है दोनों, ये न्यू अपडेट वाली एंड ये धीरज, या इन दोनों को हम लोगों ने आज शाउट आउट दिया है। इन सभी गाड़ियों में आप सबको शाउट आउट मिलने वाला है, तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना। इस वीडियो के नीचे कमेंट होना चाहिए, तब जाके आप लोग को शाउट आउट मिलेगा। एंड ये वाला कुछ अपडेट्स देखो, पूरा चेंज हो चुका है ये शोरूम का लुक। एंड तुम लोग बताना, पूरा का पूरा मैप चेंज हो चुका है, मतलब थोड़ा कार्टूनिश टाइप का हो चुका है। शोरूम तो अच्छा लग रहा है देखने में, बट वो पुराना वाला फील नहीं आ रही है, कार फॉर सेल की वो वाइब नहीं आ रही है। तो बताना कि मैं पिछले वाले अपडेट पे शिफ्ट कर लूँ कि इसी वाले पे रहूँ, क्योंकि ये शायद कुछ दिन बाद हो सकता है आप लोग को ये अपडेट आ जाए। अगर ये कार फॉर सेल जो कि ये डेवलप करते हैं, उन लोग अगर ये अपडेट्स को आगे करना चाहें, क्योंकि बीटा वर्जन में वो लोग चेक करते हैं, तो मैं बीटा वर्जन में हूँ, तो या मेरे को जो भी अपडेट्स आएगा पहले मिलेगा एंड तुम लोग को भी शायद ना मिला हो। तो बताना यार तुम लोग क्या करना है। एंड बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।